Believe that Muhammad went to heaven on a winged horse. Yes, I believe in God. Shab-e Miraj mein Sidratul Muntaha. Prophet sallallahu alaihi wasallam ko is safar mein jannat, dozakh aur gunahgar logon ki sazaaye. A journey like none before. Al-Isra wal-Miraj, yani ki saat aasmanon ki sazaaye. Yani ki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne saat aasmanon ki sair ki aur tamam saat nabiyon se मुलाकात की, जहां उन्होंने बुरा जिसे उड़ने वाला घोड़ा कहा जाता है जिब्राइल अस्सलाम हजरत आपके लिए लेकर के आते हैं बुरा जिसे उड़ने वाला घोड़ा कहा जाता है आपके लिए वो लेकर के आते हैं और आप उस पर बैठकर के सात आसमानों की सैर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज हम जानेंगे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सात आसमानों की सैर, यानी कि जिसका जिक्र कुरान की आयत 17 सूरह अध्याय में जिसका जिक्र है, जिसको अल इस्रा वल मिराज के नाम से जाना जाता है और इसका जिक्र हदीस अहमद मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सात आसमानों की सैर। इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना। Believe that Muhammad went to heaven on a winged horse. Yes, I believe in God. Shab-e Miraj mein Sidratul Muntaha. Aakhri had hai. Makhlooq koi isse aage nahi ja sakta. A journey like none before. Dosto, is yatra ki ya raat ke do hisse hain. Ek ka naam hai Al-Isra aur dusri raat ka naam hai Wal Miraj. अब पहले बात करते हैं अपने अल इस्रा की रात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस रात मक्का शरीफ की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आपके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक उड़ने वाला घोड़ा जिसे बुराक कहते हैं उस घोड़े को लेकर के आते हैं और आप उस घोड़े पे पीठ पर बैठते हैं और आसमान की तरफ उड़ने चले जाते हैं। तभी रास्ते में उनको मस्जिद दिखती है अल अक्सा, तब अल अक्सा मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कुरान वसल अल्लाह की इबादत करते हैं और इबादत करने के बाद अपने बुरा घोड़े को जमीन से बांध देते हैं और नमाज अदा करने के बाद तभी वहां पर जिब्राइल अस्सलाम दोबारा आते हैं। अल्लाह के कहने पर वो जिब्राइल अस्सलाम हुजूर के लिए सब वो काम करते हैं, लेकिन तभी जिब्राइल अस्सलाम हुजूर की परीक्षा भी लेते हैं अल्लाह ताला के कहने पर। तब आप नमाज पढ़ने के बाद बुराक के ऊपर बैठने से पहले जब जिब्राइल अस्सलाम आपके लिए बर्तन लेके आए तो उसमें एक शराब का बर्तन था, एक पानी का बर्तन था और एक दूध का बर्तन था। तब आप दूध का बर्तन चुनते हैं जो फितरे का प्रतीक है, यानी कि फितरे का रूप है, उस दूध के बर्तन को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप चुनते हैं। तब वो अपनी सभी परीक्षाओं में पास होते हैं और आखिरकार वो अपने बुराक पर बैठ कर के पहले आसमान की तरफ सैर करते हैं, जहां पर उनको आदमे अस्सलाम मिलते हैं और आदमे अस्सलाम को वो सलाम करते हैं और अपने अगले आसमान की तरफ दूसरे आसमान की तरफ रवाना हो जाते हैं। आप दूसरे आसमान की तरफ रवाना होते हैं जहां आपको जॉन द बैपटिस्ट मिलते हैं। जॉन बैपटिस्ट वो यहूदियों के पैगंबर थे और अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया, यानी कि यरूशलेम में उनकी मौत हो गई और अल्लाह ने इन्हें जिंदगी भर के लिए अमर बना लिया और ये अमर बन गए। तब हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम आप जॉन द बैपटिस्ट को सलाम करते हैं और अपने अगले आसमान तीसरे आसमान की तरफ निकल पड़े, जोसेफ से मिलते हैं और जोसेफ को सलाम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान खुदा के रूप में बताई है। लेकिन तब जोसेफ 18 वर्ष के थे और ये अपने भाइयों के साथ खेलने के लिए जाते हैं। इनके भाई कहते हैं इनके पिताजी से कि पिताजी भाई को हमारे साथ खेलने के लिए कह दो, हम उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन तभी उनके लाश एक कुएं में मिल और अल्लाह तआला उन्हें जिंदगी भर के लिए अमर बना देता है। तब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने अगले आसमान की तरफ
रवाना हो जाते हैं, चौथे आसमान की तरफ आप रवाना हो जाते हैं, जहां तब आपको इदरीस अलैहिस्सलाम मिलते हैं। और इदरीस अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, और उनका जिक्र कुरान में भी है। तब आप इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं और अपने पांचवें आसमान की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पर आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलते हैं। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं, तब आप अपने अगले आसमान की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पर आपको मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। आप मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं और जहां पर आप मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे भाई को भी बुला लीजिए, तब उनके भाई भी वहां पर आ जाते हैं और अपने भाई के साथ वो रवाना करते हैं और अपने भाई के साथ वो रवाना हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन में काफी ज्यादा जादू यानी कि काफी ज्यादा अनोखे नए चीजें की है, जिनको देखकर हर कोई हैरान नहीं जाता था, और नए नए चमत्कार भी उन्होंने किए, और अल्लाह ने उन्हें अपने पास ला लिया और उन्हें भी अपना पैगंबर यानी कि आसमान के नबी बना दिया। आखिरी पैगंबर साथ में आसमान के पैगंबर इब्राहिम अस्सलाम, और आप इब्राहिम अस्सलाम के पास जाते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इब्राहिम अस्सलाम ने काफी ज्यादा मूर्तियों को पूरा किया है और उनके जीवन में काफी ज्यादा अनेक चमत्कार भी हुए। अल्लाह ने उन्हें सभी देशों का यानी कि सभी देशों का पूरी दुनिया के देशों का नेता यानी कि मंत्री बना दिया। कुरान में इब्राहिम अस्सलाम का भी जिक्र है, कुरान में जिब्राइल अस्सलाम का भी जिक्र है, जहां पर उनके सामने भी काफी ज्यादा अनेक चमत्कार हुए हैं। तब आप आखिरी आसमान पर यानी कि अल्लाह से मुलाकात करते हैं, और अल्लाह से मुलाकात के समय अल्लाह उन्हें 50 रकात नमाज अदा करने के लिए कहता है कि आज दुनिया में इतने भी लोग हैं, वो सभी 50 रकात नमाज अदा करेंगे। लेकिन तभी इब्राहिम अस्सलाम तभी जिब्राइल अस्सलाम कहते हैं कि हजरत ये 50 रकात नमाज बहुत ही ज्यादा है, आप अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि नमाज 50 रकात पे घट करके और भी कम हो जाए। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से अल्लाह के पास जाते हैं, तब अल्लाह से गुजारिश करते हैं, तब अल्लाह तबरक व तआला 50 रकात नमाज को घटा करके 40 रकात नमाज कर देता है, 50 रकात नमाज से घटा करके 40 रकात नमाज कर देता है। तभी वो अपने दोबारा वापस आ जाते हैं, तब जिब्राइल अस्सलाम फिर कहते हैं कि हजरत 40 रकात नमाज भी बहुत ज्यादा है, आप और गुजारिश कीजिए कि नमाज और कम हो जाए। तब हुजूर दोबारा इसी तरीके से बार बार जाते रहते हैं, जब तक कि 5 रकात नमाज ना हो गई, और जिब्राइल अस्सलाम 5 रकात नमाज होने के बाद भी यही कहते हैं कि हजरत आप दोबारा जाइए और अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि 5 रकात नमाज से भी घटा करके। और तभी हुजूर को शर्म आने लगती है कि मैं और कितनी नमाज रकात कम कर रहा हूँ, 5 रकात नमाज बहुत कम है, फिर मैं अब अल्लाह से किस तरह कहूंगा और अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम 5 रकात नमाज के बाद, दोस्तों यहाँ पर इस कहानी में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, और आप लोगों को हुजूर की पूरी 7 आसमानों की सैर की जानकारी भी मिली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।